आपने 15 अगस्त का कहा था, हम लोग नहीं, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, ये गलत बात है। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अरे आता जाओ, इधर आ जाओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इधर आ जाओ, अरे हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, आप इधर आ जाओ, हो जाएगा, 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 साहब को बता दो, साहब को चलो, साहब को बता दो, सर 3 साल से भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, कहाँ रहने वाली सर, बैतूल के ही हम लोग, क्या क्या हो गया सर, चयनित शिक्षक से भर्ती है सर, हम 3 साल हो गए सर, एग्जाम निकल गया, मेरिट हमारी फाइनल वर्किंग हुई है सर, चलो हमारे मंत्री जी से, हमारा वही था शिक्षा मंत्री जी है हमारे, हाँ ठीक है ना, डीओ साहब को बुलाओ, हाँ क्या मैं क्या चीज है बताएंगे तो बता सर, हम चयनित अभ्यर्थी से वो हमारी नियुक्ति की 3 साल से हम परेशान हो रहे सर, नियुक्ति हमारी नहीं हो रही, शिक्षा विभाग के चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हो गई है, क्या सर कैसे भी निकल रहे, सब कुछ क्लियर हो चुका है सर, ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही सर, ज्वाइनिंग का ही बचा हुआ है, ज्वाइनिंग में रह गई सर, ज्ञापन अपने सर को दिया हुआ है, मैं कंचन पवार, कंचन जी ये बताइए कि कब से आप लोग प्रयास करते हैं और क्या दिक्कतें आ रही है, हमारी भर्ती का विज्ञापन 2018 सितंबर में आया था, जिसके बाद फॉर्म भरे और उसका एग्ज़ाम फरवरी 2019 में हुआ और अगस्त 2019 में उसका रिज़ल्ट जारी हुआ, फिर जनवरी 2020 में हमारे विज्ञप्ति जारी हुई जिसमें जिसमें रिक्तियां प्रदर्शित की गई और फिर हमारी मेरिट लिस्ट जारी हुई उसी महंत फरवरी मार्च में, फिर जुलाई 2020 में हमारा वेरिफिकेशन का चालू किया, कोरोना का बहाना करके वेरिफिकेशन रोक दिया गया, फिर पुनः 21 में फिर चालू किया गया, ऐसे 3 बार वेरिफिकेशन लटकाए गए। अच्छा आप लोग ऑलरेडी चयनित हो चुके हैं, हाँ। लेकिन अब तक नियुक्ति नहीं होने से क्या दबाव बढ़ रहा है, किस तरह से दिक्कतें आ रही है, हम लोग व्यक्तिगत जीवन में क्या परेशानी, व्यक्तिगत जीवन में हमको सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से हर तरीके से समस्या है, क्योंकि सामाजिक रूप से इसलिए है क्योंकि हम चयनित होके भी हमको नियुक्ति नहीं मिल रही है, जिसके कारण हमको सामाजिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, आर्थिक रूप से इसलिए है क्योंकि हम टूट गए हैं 3 साल से इस भर्ती के पीछे लग के। प्राइवेट देखो, शिक्षक भर्ती का कार्यक्रम चल रहा है हमारा, कोर्ट का एक विषय है, उसके बचते हुए जो कोर्ट के निर्देश है उससे बचते हुए हम शिक्षकों की भर्ती का प्रक्रिया करने वाले हैं, वेरिफिकेशन हो गया है, जल्दी सबको नियुक्ति देने वाले हैं। 3 साल से उसका कई सारा कारण है, उसके लिए उनको जरा कमलनाथ और दिग्विजय सिंह से पूछना पड़ेगा, शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार बनी है तब से हमने उसके ऊपर वेरिफिकेशन का काम प्रारंभ करके उसको अंतिम पड़ाव पर पहुंचा दिया है, पर क्योंकि हमारी सरकार 27% आरक्षण देना चाहती है पिछड़े वर्ग को, उसमें कोर्ट की स्टे है, तो हम अभी 14% पर विचार करेंगे, 13% की हम तैयारी करके रखेंगे, जो कोर्ट निर्देश देगा उसमें ऐसा करेंगे, लेकिन हम जल्दी ही भर्ती को प्रारंभ करने वाले हैं। थैंक यू।